अपनी ही सरकार के खिलाफ विकास ना होने पर मोर्चा खोलने वाले विधायकों में से एक रहे रेवाड़ी विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर कहा है कि उन्होंने सरकार को अवसर दिया है कि वो आने वाले समय में काम कराए, अन्यथा उनका आक्रोश जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका जनता के प्रति उत्तरदायित्व है और अगर काम नहीं होते हैं तो उनका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन हम लाखों लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। अगर उसकी ये गति रहती है तो हमारी नाराजगी या उसको दूसरे शब्दों में कोई बगावत कहे, ये फिर अलग अलग सोच की बात है। वो तो हम करेंगे, अगर हमारे क्षेत्र के साथ कहीं भी उपेक्षा होती है, काम नहीं होते हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, तो एक अवसर दिया है सरकार को भी संभलने का, हम भी संभलें, प्रशासन भी संभलें, संगठन भी संभलें, सुधार की संभावनाएं हर जगह होती हैं। अगर सुधार होता है तो हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं, और अगर सुधार नहीं होता है तो हमारी नाराजगी है और आगे भी रहेगी। कितना समय दे दिया सर? अल्टीमेटम देखिए, समय अब दे दिया सर, अब सुधार दिख रहा है। आज मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने पहले बार सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री सीएम के बाद नंबर दो पे हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि नाराज विधायकों का दुख जायज, पढ़ा होगा आपने, जायज है और हम शीघ्र ही उसको ठीक करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का। अगर इस तरह से ये होता है तो निश्चित तौर पे विधायक नाराज क्यों होंगे?